हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 20 मार्च 2021 और हम हैं वेस्ट बंगाल में हसीमारा में। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक स्थान है और उस स्थान का नाम है टोटोपाड़ा। तो अभी हम जाएंगे टोटोपाड़ा। जंगल का रास्ता है और इतना जंगल का रास्ता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं टोटोपाड़ा, बाकी बातें करेंगे बाइक पे बैठ के। ये था जी होटल युवराज जिसमें हम रुके हुए थे। अभी तक हमने चेकआउट नहीं किया है, पहले टोटोपाड़ा जाएंगे, 2 घंटे आने जाने में लगेंगे। बैठ जा भाई। ये हसीमारा और सामने है रेलवे क्रॉसिंग। भूटान जाने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन हसीमारा ही है। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेनें रुकती हैं। इस साइड में राइट में रेलवे लाइन है, मतलब कि रेलवे स्टेशन है। ये है जी तोरसा नदी, तोरसा, और तोरसा नदी का पुल पार करते ही हम राइट में मुड़ जाएंगे। ये एक रास्ता जा रहा है इधर से। अब यहाँ से है जी टोटोपाड़ा 13 किलोमीटर और ये रास्ता है जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। अब हैं जी हम नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ पे होती है जिप्सी सफारी। अब आप कहोगे कि भाई नेशनल पार्क के अंदर इस तरह से क्यों घूम रहे हो, तो जी नेशनल पार्क पार करने के बाद 13 किलोमीटर दूर है टोटोपाड़ा गांव। टोटोपाड़ा के आसपास और भी कुछ गांव हैं। हमारे एकदम बगल में है तोरसा नदी और ये जो है जिस सड़क पे हम जा रहे हैं इसे आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिप्सी रूट के तौर पे करता है इस्तेमाल। किसी ज़माने में यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती थी नैरो गेज की लाइन लकड़ी वगैरह लाने के लिए, ट्रॉली जाती थी ट्रॉली। तो इसको मतलब कि इस रोड को ट्रॉली लाइन भी बोलते हैं, ट्रॉली लाइन। गूगल मैप में इसे ट्रॉली लाइन ही लिखा गया है। ये सामने रेलवे लाइन और राइट में जाएंगे तो अलीपुरद्वार, लेफ्ट में है सिलीगुड़ी। इस रेलवे लाइन को कर लो क्रॉस। अब शुरू होता है दीप्ति का काम, ठीक है भाई, ठीक है ना। अगर तुझे अब भी हाथी नहीं दिखे ना तो इसका मतलब है कि हाथी होते ही नहीं है। इस जंगल में है जी हाथी, जंगली हाथी, बाइसन, गैंडे और लेपर्ड वगैरह भी हैं। मोर तो इतने सारे हैं। अब हम पग्गे पक। योर एक और बैठा है सामने सड़क पे। यार जंगल तो बहुत घना भाई। ये साल के पेड़ है ना, और ये जो सामने जो बड़ा सा ये किस चीज का है? अच्छा सेमल है ये। मुझे तो पेड़ों की पहचान भी नहीं है। अब कम सीसी की बाइक होने का फायदा ये है कि माइलेज तो अच्छा देती है, जंगल वगैरह में शोर भी नहीं करती। ये सड़क जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने केवल एक पगडंडी होने का अनुमान लगाया था लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये क्या भाई जंगल में वॉच टावर सा लग रहा है, पर्दे वगैरह भी लटके हुए हैं, एक झंडा भी है, चौकी है, चौकी, फॉरेस्ट चौकी। इसमें तो कोई भी नहीं लग रहा मुझे, है कोई? किधर जाना है, सीधे लेफ्ट सीधे जाना है? ओके, वैसे हमने मैप लगा रखा है, मैप भी सीधे ही बता रहा है। शुरू में ना हमारी प्लानिंग इस नेशनल पार्क में, जल्दापारा नेशनल पार्क में सफारी करने की भी थी क्योंकि काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है ये। और ये नदी है तोरसा नदी राइट में हमारे, तो तोरसा नदी के साथ साथ काफ़ी बड़ी लंबाई में है। लेकिन फिर जैसे ही हमें टोटोपाड़ा के बारे में पता चला तो हमने सफारी का इरादा छोड़ दिया और तय कर लिया कि हम जाएंगे बाइक से, यानी कि बाइक सफारी करेंगे। अब हमें नेशनल पार्क में जंगल के अंदर और हाथियों का जंगल है, तो जंगल का रूल ये कहता है कि रुकना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर जब तक आप चलते रहोगे तब तक सेफ रहोगे, भले ही आप 10 की स्पीड पे चलो। अभी हम 10-12 की स्पीड पे चल रहे हैं बहुत धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही आप रुक जाओगे एकदम से आप अनसेफ हो जाओगे। तो जंगल का रूल यही कहता है और हम इस रूल को ज़रूर ज़रूर फॉलो करेंगे। एक आध जगह रुकेंगे, कोई अगर मिल जाएगा, कोई जंगल की शांति भी तो महसूस करनी है ना, कहीं पे खुली सी जगह होगी और देख के रुकेंगे हम। लेकिन जैसा अभी ये वाला माहौल है, घना जंगल है, पेड़ पौधे भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, तो यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। क्या बात है भाई, एकदम वही पगडंडी आ गई जिसका मैंने अंदाज़ा लगाया था।
शुरू में एक आध किलोमीटर तो छोटी सी सड़क थी, पर अब तो एकदम पगडंडी आ गई। अरे ये क्या हो गया? ओ हो, उतरेगी या नहीं? नहीं उतरेगी, चल तो सही है। कल तो बड़ी डर रही थी, पथरीला रास्ता था। अच्छा, ये नदी ने तोड़ दिया है तटबंध, ट्रॉली लाइन जो थी वो नदी ने तोड़ दी है, नदी आ गई है नीचे तक। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके ना ये रास्ता फिर ऊपर चढ़ेगा, है नहीं? है नहीं? हाँ, रास्ता मैं देख लूँगा, तू इधर उधर देखती रहिए। दीप्ति कह रही है जी, इस पूरे रास्ते में हाथी का सूखा गोबर तक नहीं मिला। अरे गोबर नहीं मिला तो क्या हो गया? उत्तरी भाग गया देखे एकदम। अच्छा ये चढ़ रहा रास्ता ऊपर, ये रास्ता वापस ऊपर चढ़ गया जी। ये जी टोटीपाड़ा जाने वाली मेन रोड मिल गई है, मेन रोड आती है मदारी हाट से, ये रोड पीछे मदारी हाट से आ रही है। हम भी मदारी हाट से आ सकते थे, लेकिन जंगल रोड का मज़ा ही अलग है। टोटीपाड़ा है यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर, वहाँ जाएंगे और बैठ के चाय चुई पी के फिर वापस जंगल वाली रोड से आ जाएंगे। ये रास्ता तो नदी के पाट के अंदर से बना रखा है, बारिश में कैसे आना जाना करते होंगे नाव से। देखिए कितना चौड़ा पार्ट है। हाँ, सामने वो भूटान की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अरे सड़क आ गई, इसका मतलब हम टोटोपाड़ा पहुंचने ही वाले हैं। बस इसका मतलब हम टोटोपाड़ा पहुंच चुके हैं। यहाँ भी मुझे सब नेपाली लग रहे हैं, यही है जी टोटोपाड़ा। अब देख लिया भाई किस दुकान पे क्या खाना है तुझे। हाँ बस यही है टोटो बाजार, आगे को चलें। टोटोपाड़ा में कोई खाने की दुकान तो दिखी नहीं, बस ये एक रोड दिखी है। बस इसी रोड पे हम आ गए टोटोपाड़ा से भी और 1-2 किलोमीटर आगे। चलो यहीं से वापस हो जाते हैं, क्योंकि आगे तो सड़क पता नहीं थोड़ी दूर तक ही जा रही है, फिर ख़त्म हो जाएगी। चलो जी चाय पानी हो गया, नींद आ रही है तुझे? सोना नहीं है, दीप्ति को बेचारी को नींद आ रही है, तो तब सोएगी पक्का। उसी रास्ते से चलूँ ट्रॉली लाइन से? उससे नहीं चलना, क्यों? बहुत बोरिंग चलो जी अब टाइम है टोटोपाड़ा से वापस चलने का। ये बस आई है जलपाईगुड़ी से टोटोपाड़ा। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं कि जलपाईगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी दोनों अलग अलग हैं, और दोनों में 40-50 किलोमीटर का गैप भी है। यहाँ का ज़िला लगता है जलपाईगुड़ी, और न्यू जलपाईगुड़ी तो सिलीगुड़ी के पास है, वो एक रेलवे स्टेशन है, जस्ट एक रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। अच्छा जी लगे हाथों आपको ये भी बता दूं कि टोटोपाड़ा में कुछ होम स्टे भी हैं, आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। और हम देखो किसी का नंबर वगैरह तो नहीं लेके आए, हमें रुकना भी नहीं था, तो गूगल मैप पर आप सर्च कर लेना, गूगल मैप पर होम स्टे दिख जाएंगे।
अच्छा भूटान नंबर का ट्रक है ये? ये भी सारे भूटान के ही हैं? ये नदी ना भूटान से आ रही है, जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं ना सब भूटान के ही हैं। कहाँ? हाँ वो नीचे फिर तोरसा में जाके मिल जाती है ये, राइट में एकदम भूटान है, 1-1.5 किलोमीटर दूरी। चले गए भूटान बॉर्डर तक? नहीं चलना, दीप्ति मना कर रही है। हम आए थे जी लेफ्ट से और यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री प्रोहिबिटेड, जानू पाउदेन जाए का माना हाइक, यानी के इधर से जाना मना है। अच्छा इधर से जाना मना है, तो दीप्ति का कहना है कि इस बार रास्ता बदलो, यानी के जो टोटोपाड़ा जाने का जो आने का जो मेन रास्ता है उस रास्ते का हम इस्तेमाल करेंगे और जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत जंगल पड़ेगा लेकिन ज़्यादा जंगल नहीं पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है, कि जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से वापस मत आओ, किसी और रास्ते से वापस आओ। और क्या ऑर्किड रोकने? एक मिनट तो मैं साइड लगा लूँ, दीप्ति को ऑर्किड दिख रहे हैं। अरे रुक रहा हूँ देख ले। हाँ इस एरिया में जी ऑर्किड बहुत होते हैं, आगे असम और अरुणाचल तक भी ऑर्किड बहुत मिलेंगे, और वो है जी येलो ऑर्किड। ऑर्किड की सैकड़ों हजारों प्रजातियाँ होती हैं। ये जो है परजीवी पौधा होता है और हमेशा दूसरे पौधों पे ही, जैसे कि ये है, ये भी ऑर्किड ही हुआ, हमेशा दूसरे पौधों पे ही पनपता है, लेकिन इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। अबे रास्ता कहाँ गया? रास्ता किधर है? ये तो नदी के अंदर आ गए। चलो यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट ना। ये है जी होलोंग नदी, होलोंग। इसमें जो है ना कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं और फिर आगे कहीं जाके वो तोरसा नदी में मिल जाती है। होलोंग नदी भी भूटान से ही आती है। अच्छा एक चीज़ और है, मानसून में पानी भर जाएगा, ये वाला रास्ता हो जाएगा बंद। भाई बंद हो जाएगा ना तो फिर ये टोटोपाड़ा वाले लोग आना जाना कैसे करेंगे? आना जाना करेंगे फिर ट्रॉली लाइन से, जिससे हम गए थे टोटोपाड़ा। तो जी वीडियो चलती रहेगी, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे हासीमारा, वहाँ पे पेट्रोल की टंकी, मतलब की टंकी में पेट्रोल फुल कराएंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे। आज हम बंगाल छोड़ के असम में एंट्री कर लेंगे और बंगाई गांव से भी आगे बरपेटा रोड के पास मानस नेशनल पार्क के गेट पे रुकेंगे, मतलब गेट पे तो नहीं रुकेंगे पर रुकेंगे वहीं पे। बस का तो मुझे पता नहीं, वहाँ बंद तो हो जाती होगी। ये जो बस आई थी अभी जलपाईगुड़ी से टोटोपाड़ा की, वो तो बारिश में बंद हो जाती होगी, क्योंकि वो वाला रास्ता ट्रॉली लाइन वाला जो रास्ता है वो तो बस के लायक है नहीं। क्यों भाई पीछे देखे, हमारी बाइक धूल उड़ाती चल रही है क्या? पीछे धूल नहीं उड़ रही? अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फिर दूसरी बाइक क्यों उड़ाती है धूल जब हमारी नहीं उड़ाती तो? अच्छा हमारी बाइक अच्छी है इसलिए नहीं उड़ाती, ये बात तो सही कही था ना। अरे नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, डर तो नहीं लगेगा तुझे? गलत वलत का नहीं पता मुझे, क्योंकि जो गूगल मैप रास्ता बता रहा था
हम उससे बहुत ज्यादा अलग चल रहे हैं। बस बस का नहीं पता मुझे, पर गूगल मैप जो बता रहा है रास्ता, हम उससे अलग चल रहे हैं। बट मजा आ रहा है याओ। ये लो भाई, किसका? अच्छा भूटान नंबर का BP2A5413 भूटान का ट्रक। ले रोड आ गई। हाँ हाँ हाँ, कुत्ते ऐसे आते हैं। ले भाई रोड आ गई रे, और फिर से हम गूगल मैप के सही रास्ते पे आ गए। वी आर नॉट रॉन्ग। एक शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम आ गए हैं जी रेलवे लाइन पे। ये पार करनी है, शॉर्टकट था 1 किलोमीटर का, और अगर हम मेन रोड से जाते तो कम से कम 10 किलोमीटर का पड़ता। क्या सीन है? आ जाऊं? ट्रेन व्रेन तो नहीं आ रही? मजा आ गया भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये रोड जाएगी सीधे हाँसी मारा, पीछे है 5-6 किलोमीटर दूर पे मदारी हाट, तो हमारे लिए 10 किलोमीटर का चक्कर पड़ता, अब 1 किलोमीटर में काम हो गया। कैसी लगी? मजा आ गया भाई। हम आ गए जी वापस हाँसी मारा, और होटल में थोड़ा सा रेस्ट करके और अब आगे निकलेंगे। आगे की पूरी कहानी हम दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुई होगी और मुझे पता है काफ़ी लंबी भी हुई है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि जो ट्रॉली लाइन थी ना, जिससे हमने एंट्री करी थी जंगल के अंदर, वहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने बैरियर लगा दिया है और फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी लगी हुई है। तो हो सकता है उनकी 8-9 बजे से ड्यूटी लगती हो, हम तो 7-7.30 बजे चले गए थे, तो अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो फिर फॉरेस्ट वाले हमें अंदर नहीं जाने देते। चलो ठीक है, इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को समाप्त। अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे हाँसीमारा से लेके असम तक 220-225 जितने भी किलोमीटर की यात्रा होगी वो आपको कराएंगे। ज़रूर ज़रूर देखना चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर लाइक कर देना। राम राम।